हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल संस्कृता ब्लॉग्स। तो नाउ वी आर गोइंग टू थेनौर, जहाँ पे मूर्तियाँ तैयार होती है दुर्गा माता की। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी चल रहा है नवरात्रि आने वाली है, जहाँ से और छत्तीसगढ़ में सारी मूर्तियाँ ज़्यादातर थेनौर से ही आती है। जहाँ पे अपन जा रहे हैं, आपको वहाँ का टूर कराते हैं, आपको सारिया मूर्ति दिखाई जाएगी। हम आपसे वहाँ की जानकारी भी लेंगे अपने लिए, और आपको भी वो जानकारी बताई जाएगी। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे अभी गिर गए थे, मैं शूट नहीं कर पाया, कैमरा हाथ में नहीं था, यहाँ से फिसलते फिसलते पापा नीचे आए। जैसा आप ये जो सुंदर सुंदर मूर्ति देख रहे हैं दोस्तों, हमारे मूर्तिकार भाइयों की कड़ी मेहनत और श्रद्धा भाव से तैयार किया गया है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें करीब 6 महीना लग जाता है दोस्तों। 6 महीना पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है, इसमें काफ़ी मेहनत लगता है। और श्रृंगार जो है काफ़ी समय से, मतलब ये लोग अपने दिमाग में इमेजिंग बना के रखते हैं कि हम ऐसी मूर्ति तैयार करेंगे। आप यहीं से हैं भाई साहब? जी जी। कहाँ रहते हैं? बस्ती पारा में। ये कौन सा एरिया कहलाता है? ये भाटा पारा। भाटा में। और मूर्ति का कार्य यहाँ पर कितने समय, विगत कितने समय से चल रहा है? बहुत साल हो गया, हम बचपन छोटे थे तब से। अच्छा, तो आप बचपने से देख रहे हैं? जी जी। तो आपको कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। कैसा माहौल रहता है यहाँ? अभी 2 दिन बाद एकदम मेला जैसा माहौल रह गया। जय माता दी। बोलो जय माता दी। तो देख सकते हैं जैसा कि काफी जगहों पर माता रानी का श्रृंगार का कार्य चल रहा है मूर्ति की स्थापना के लिए। आप देख सकते हैं अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी हम थनौद में हैं दोस्तों। यहाँ पर थनौद जो है दुर्ग जिला के अंतर्गत आता है, और यहाँ की मूर्ति करीब 2 फीट से लेकर 11 से 12 फीट की ऊंचाई में होती है, और काफ़ी लोकप्रिय मानी जाती है यहाँ की मूर्ति। और काफ़ी जगहों पर यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर के माता का जो पंडाल होता है दोस्तों, वहाँ पर माता की मूर्ति विराजमान करते हैं।
आप भी आइए घूमिए, हम आपको यहाँ की जानकारी देते रहेंगे। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है, भाई साहब नाम क्या है आपका? मोरत ध्वज। क्या? मोरत ध्वज। मोरत ध्वज, ये भी मूर्ति तैयार कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं आप? अभी स्टोन लगाऊंगा भैया। स्टोन सजाने का ही काम चल रहा है यहाँ पे भी? ऐसे ही सब सजाया जाता है यहाँ पे, ये सब बच्चे लोग खेल। नाम बताओ अपना अपना। प्रकाश। और आपका? दीगम। दीगम। जय माता दी बोलो। जय माता दी बोलो। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसा कि यदि काफी मूर्तियों में काम बचा हुआ है और 7 तारीख तक इसे कंप्लीट भी करना है, और हम आपको दिखा करके जो भी है स्थिति अभी आपको दिखा रहे हैं, जो जायजा दे रहे हैं, तो इसमें भी काफ़ी मेहनत लगेगा और समय रहते हुए हम आपको दिखा रहे हैं ताकि हम आपको पूरी तरह से। हाँ तो भाई साहब ये मूर्ति आप ले जाएंगे? जी भैया हमारे गांव में। कौन से एरिया में जाएगी? कौन से गांव में जाएगी? टेमरी। टेमरी किस साइड पड़ता है ये? बड़े टेमरी नकपुरा जिला दुर्ग। जिला दुर्ग टेमरी जी। तो देख सकते हैं दोस्तों ये अभी काफ़ी हद तक काम बचा हुआ है इसमें, और कब तक जाएगी ये मूर्ति? ये कल शाम को जाएगा। कल शाम तक जाएगी, और नवरात्रि तो 7 तारीख से ही प्रारंभ हो रहा है। जी जी जी। तो पहले ले जाके आप वहाँ पर विराजमान करेंगे, सेटअप बैठाएंगे? नहीं उसका क्या ना, उसके हिसाब से मंच बनाना पड़ेगा ना भैया। अच्छा। मूर्ति के हिसाब से, मूर्ति के हाइट के हिसाब से मंच बनाना पड़ेगा। वह आपका भी जो काम देख करके कितने संतुष्ट हैं आप अभी? हम लोग सोचे थे उससे अच्छे बनाए हैं भैया जी, और बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत रंग लाई है, काफी मेहनत करते हैं ये लोग भैया, बहुत मेहनत करते हैं जी। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए, आगे और भी मूर्तियां हैं जो हम आपको दिखाएंगे। आपके YouTube के चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहूँगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे टेमरी गांव में 73 साल हो गया दशहरा मनाते हुए। अच्छा, अच्छा। और माता रानी विराजमान करते हमको 23 साल हो गया है। अच्छा। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि सब लोगों को दशहरा उत्सव देखने के लिए टेमरी आमंत्रित करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जैसा भाई साहब ने आमंत्रित किया है, टेमरी गांव जरूर पहुँचे। दशहरा का काफ़ी ज़ोर शोर से यहां पर त्यौहार मनाया जाता है, तो आप लोग यहां पर आकर के योगदान दें। तो दोस्तों अब हम चलते हैं थनौद बस्ती के अंदर में, वहाँ भी काफ़ी मूर्तियों का काम चल रहा है जो कि आपको हम दिखाते हैं। सुसज्जित रूप से तैयार हो चुकी है, और भी मूर्तियां तैयार की जा रही हैं।
क्या नाम है दाई तो? मानव भाई। जोर से बोलो। मानव भाई चक्रधारी। मानव भाई चक्रधारी जी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, जो दूर दूर से मूर्तियां लेने आते हैं उनके लिए नाश्ता पानी का भी व्यवस्थापन किया गया है, जो कि अपना समय देते हुए यहाँ पर दुकान लगा करके रखे हुए हैं। देखिए दोस्तों कितनी प्यारी मूर्ति। जय माता दी लिखना ना भूलना दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मूर्तियों का काम अभी चल रहा है दोस्तों, अभी भी बहुत काम बाकी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। ये दिन रात एक करके अभी काम करेंगे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है।